नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हैशटैग क्रिप्टो चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हम जैसे पिंकसेल डॉट फाइनेंस का जो आईडीओ प्लेटफॉर्म है उसमें जैसे आप वॉलेट कनेक्ट करके जो भी आपका ट्रस्ट वॉलेट है या फिर मेटामास्क जो आप कन्फिगर किए हैं उसे कनेक्ट करके आप पिंकसेल डॉट फाइनेंस में कोई सी भी आईडीओ में आप पार्टिसिपेट किए हैं और किसी भी रीजन से इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं आईडीओ जो कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब जो भी हम आईडीओ में पार्टिसिपेट किए और वो कैंसिल हो गया तो क्या वो मेरा पैसा डूब गया, क्या वो मेरा पैसा वेस्ट चला गया, इसके बारे में हम जानेंगे। या क्या वो पैसा रिट्रीव हो सकता है मेरा, मतलब क्या पैसा वो जो भी हम बीएनबी उस आईडीओ में पार्टिसिपेशन के लिए सेंड किए हैं क्या वो मुझे वापस मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, तो ये सब हम जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो अगर आप पिंक सेल यूज़ करते हैं तो आप जानते होंगे कि कैसे इसको वॉलेट के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ कर्सर यहाँ पे है, आप वॉलेट एड्रेस में देख पाएंगे कि यहाँ पे वॉलेट कनेक्टेड है। आप यहाँ पे लॉन्च पैड में, यहाँ से लॉन्च पैड से लिस्ट जाके आप स्क्रॉल ऑन करके लॉन्च पैड लिस्ट पे जाएंगे जब आप, तो यहाँ ये आप आ रहा है एक ऑल लॉन्च पैड्स में और एक माई कंट्रीब्यूशंस में है। तो माई कंट्रीब्यूशंस का जो ऑप्शन है इसमें सारा कंट्रीब्यूशंस हमारा होगा, जो भी आईडीओ में हम पार्टिसिपेट किए हुए रहेंगे उसका सारा जो है यहाँ पे डिटेल्स रहता है दोस्तों। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार माई कंट्रीब्यूशंस में और मैं दिखाता हूँ, ये लोडिंग हो रहा है। तो जैसे ये लोडिंग हुआ स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे तो मेटा फ्लोकी का एक जो यहाँ पे आईडीओ हो रहा था वो कैंसल्ड हो गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कैंसल्ड है, आप नीचे भी यहाँ पे देखेंगे कि प्री सेल्ड ये कैंसल है। लेकिन यहाँ पे जो सुगो इनो मेटावर्स था इसका जो 20 BNB का ये था, ये मतलब इंडेड हुआ है, मतलब कि ये पूरा होके ख़त्म हुआ है। मतलब इसमें जो भी पूल्स में पार्टिसिपेंट्स थे, ये जो भी आईडीओ में पार्टिसिपेशंस किए ये इनको टोकन्स मिला, लेकिन ये जो टोकन्स है मेटा फ्लोकी का ये एक्चुअली प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया गया आईडीओ से। तो इसका मतलब क्या पैसे ये डूब गए? तो हम इसमें डिटेल्स आने के लिए अभी यहाँ पे व्यू पूल्स पे क्लिक करते हैं। तो व्यू पूल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है, सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा आपको। ये सब कुछ डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, प्री सेल एड्रेस, यहाँ पे यहाँ ये मैसेज दिखा रहे हैं कि पिंक सेल डॉट फाइनेंस आपका ये श्योर, मेक श्योर हो जाइए कि है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे 24 BNB तक ही ये हुआ, उसके बाद पूल हैज़ बिन कैंसल्ड, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शंस कभी कभी आता है जब ये आईडीओ चल रहा होता है तो इमरजेंसी विड्रॉ करके आता है, जो टोकन्स विड्रॉ होंगे जो भी आपका टोकन्स है जो आईडीओ में पार्टिसिपेशन किए हैं उसमें, जैसे ये मेटा फ्लोकी का ये है तो यहाँ पे इमरजेंसी विड्रॉ का। लेकिन अभी आप मेरे पास ऑप्शंस आ रहा है कि विदड्रॉ कंट्रीब्यूशन का, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम कंट्रीब्यूट किए हैं बीएनबी उसको हम विदड्रॉ कर लें। मतलब जो है हम जैसे कि 0.1 BNB का मिनिमम कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे, मिनिमम बाई 0.1 BNB का था, ठीक है। आपका यहाँ पे भी शो करेगा कि योर परचेज जो है वो 0.1 BNB का है, तो मुझे इससे पैसे वापस निकालने हैं, मतलब मेरे जो भी BNB है मैं वापस करने वाला हूँ इसे। तो आपको सिंपल विड्रॉ मतलब कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये ट्रांजेक्शन से एक छोटा सा फी लेंगे। ये जैसे अभी यहाँ पे मतलब ये लोडिंग हो रहा था, अभी यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो मैं कंफर्म करता हूँ, अभी ये ट्रांजेक्शन जो है वो कंफर्म होने वाला है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं ये मेटामास्क का जो यहाँ पे वॉलेट में मैं देख रहा हूँ, अभी विड्रॉ कंट्रीब्यूशंस में यहाँ पे जो है वो पेंडिंग शो कर रहा है। ये अभी मेरे पास बैलेंस जो है 0.1038 का है। अभी मैं देखता हूँ लाइव आपको शो करूँगा कि ये जो विड्रॉ कंट्रीब्यूशंस के लिए मैंने रिक्वेस्ट करा है वो हो रहा है या नहीं। तो इसके जो भी मतलब है अभी मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा कंफर्म होने तक जो इसका ट्रांजेक्शन्स है। तो यहाँ पे विड्रॉ जो है वो कंफर्म हो गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे कि ये जो है एसेट्स में आप, मैं लाइव यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये विड्रॉ कंट्रीब्यूशन वो कंफर्म हो गया। अभी आप यहाँ पे लाइव देख पाएंगे, इस जगह आप देखेंगे कि मेरे पास 1038 या 35 करके जो था यहाँ पे मैंने BNB जो है बैलेंस में था, लेकिन अभी यहाँ पे 0.2035 है, मतलब कि मैंने 0.1 BNB जो मैंने इस पे पार्टिसिपेट करा था यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये मुझे वापस मिल गए हैं। तो पिंकसेल डॉट फाइनेंस का एक अच्छा फीचर ये है कि जो कैंसिल हो जाता है इसका आईडियो उसमें आप जो मतलब पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो BNB हमने इन्वेस्ट करा है वो ज़रूरी नहीं कि मतलब वो वेस्ट चला गया है वो या बर्बाद हो गया, इस तरह से आप उसको वापस से विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ये लाइव विड्रॉ करके दिखाया, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
कुछ देर पहले मैं ये बैलेंस भी शो कर रहा था। ये कंट्रीब्यूशंस के लिए कुछ देर वेट करना पड़ता है, मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट्स का वेटिंग पीरियड था, इसके बाद ये कंफर्म हो गया। और ये सब BSE स्कैन पे ट्रांजेक्शन्स का डिटेल्स है, ये आप ट्रांजेक्शन्स हैश वगैरह है आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपका जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा। तो उम्मीद है कि सारा कुछ समझ पाए होंगे दोस्तों, और पैनिक नहीं हुए रहेंगे अब कभी भी इस वीडियो के बाद कि आप PinkSell.Finance में कोई IDO में पार्टिसिपेशंस लिए हैं आप और वो कैंसिल हो गया, तो ऐसा नहीं कि पैसा डूब गया, वो पैसे वापस आ जाते हैं। बस यही प्रोसेस है पैसे वापस, जो BNB जो भी आप कंट्रीब्यूट किए हैं उसको वापस लाने का। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी पैनिक ना हो इस तरह के कोई भी IDO में पार्टिसिपेशंस के बाद अगर वो कैंसिल हो जाता है तो। और इसी तरह के नए वीडियो के लिए दोस्तों, नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।